हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYE एकेडमी। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, जो 30 नंबर की आती है नए पैटर्न में UPPCS में। और UPPCS मेंस 2018 कुछ ही दिनों बाद है, अगले हफ्ते ही है, तो ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं। 2017 से लेके 2002 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और ये लेक्चर जो है ये 2-3 पार्ट्स में होगा, तो हम सबसे पहले पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों के मतलब बता दिए जाएंगे, और अगर आपको मतलब पता है तो आप उसके सेंटेंस तो लिख ही पाएंगे। अगर आपको किसी सेंटेंस लिखने में परेशानी हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर बिगिन करते हैं। तो सबसे पहला है कलेजा मुंह को आना, ये तो काफी आपने सुना होगा। ये है दुख होना, मतलब काफी बार क्या होता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो कलेजा मुंह में आ जाता है ऐसे। दिन को तारे दिखाई देना, ये भी आपने सुना होगा। अजीब हालत होना, जैसे काफी बार पढ़ाई करते करते दिन दिन में तारे दिखने लग जाते हैं। सांप छछुंदर की गति होना, मतलब दुविधा की दशा होना, ठीक है, इसका मतलब है दुविधा की दशा होना, जो एग्जाम में कभी कभी हो जाती है। डाक के वही तीन पात, ये थोड़ा टफ है, फिर वही बात या दशा, ठीक है। डाक के वही तीन पात का मतलब है फिर वही बात या दशा। पांचवा देखते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अनायास ही अच्छी वस्तु पा लेना, बिना चाहे हुए भी अच्छी वस्तु किसी को मिल जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वैसे आप कह सकते हैं, जैसे विजय शंकर को इंडिया क्रिकेट टीम में जगह मिल गई थी वर्ल्ड कप में, ऐसे कह सकते हैं आप कि अंधे के हाथ में बटेर लगना। लेकिन ऐसे आप किसी का नाम मत लेना, सेंटेंस जो लिखे हैं वो थोड़े न्यूट्रल होने चाहिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब अपनी औकात से बढ़कर करना या होना, ठीक है। अब देखते हैं सातवां, हरी को हरी नाम, अपनी असफलता का दोष किसी और को देना, जैसे आप एग्जाम में फेल हो जाएं और दोष अपने परिवार वालों को दें, इसको हारे को हरी नाम। अध जल गगरी छलकट जाए, ओझा व्यक्ति थोड़ा गुड़ या धन होने को इतराने लगता है। तो ऐसा होता है ना, किसी किसी को थोड़ा सा धन मिल जाए तो बड़ा ही खुश हो जाता है ऐसे, या कोई जैसे रैंक आ जाती है तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं ऐसे। अध जल गगरी छलकट जाए। फिर नौ देखते हैं, बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी, ये भी सही बात है ना। दस, जैसा कता घर रहे वैसे रहे परदेश, निकम्मा आदमी घर में हो या बाहर कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ये भी कह सकते हैं आपकी, मतलब किसी को ऐसा होता है ना, एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर भेज देते हैं, लेकिन जैसा कता घर रहे वैसा रहे परदेश, बाहर भी जाके वो नहीं पढ़ पाता। अब बाकी देखते हैं, ये मेरे हिसाब से 2016 के होंगे। गोती बैठाना, इसका मतलब युक्ति सफल होना, ठीक है। तुक्का लग जाता है, जैसे कभी कभी किसी तांत्रिक का तो गोती बैठा दी। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब है अनुभवी होना। काफी जो पुराने जमाने के लोग होते हैं वो बोलते हैं ना, हमने घाट घाट का पानी पिया है अपनी बढ़ाने चढ़ाने के लिए, ऐसे बोलते हैं। छठी का दूध याद आना, ये आपने सुना होगा, संकट के समय पिछले सुख की याद आना, तो ये हम पुराना समय याद करते हैं, तो छठी का दूध याद आना उसका। छाती का सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या होना, जो हमें नहीं होनी चाहिए, छाती पर सांप नहीं लौटना चाहिए। तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बड़ा देना। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना, ये भी आपने सुना होगा। सांप सूंघ जाना, ये भी सुना होगा, गुप चुप हो जाना। कभी कभी टीचर जैसे बोलते हैं ना कि ये प्रश्न सुन के सांप क्यों सूंघ गया। मेढकी को जुकाम होना, मतलब अपनी औकात से ज्यादा नखरे करना। कुछ कुछ होते हैं लोग जो अपनी औकात से ज्यादा नखरे करते हैं, उनको मेढकी का जुकाम हो जाता है। आधा तीतर आधा बतेर, ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन शायद मुश्किल लगे, क्योंकि इसका मतलब है बेमेल चीजों का मिक्सचर होना, ठीक है। अब लास्ट जो आया था 2016 में, वो था नखर खाने में तूती की आवाज, इसमें बड़ों के आगे छोटों की नहीं चलती। होता ही है ना कि जब कोई छोटा बच्चा बोलता है तो बड़े लोग बोल देते हैं कि नखर खाने की में तूती की आवाज बंद करो। अब देखते हैं 2015 के, उल्टे छुरे से मुंडना, इसका मतलब है मूर्ख बनाकर ठग लेना, जैसे चिट फंड में होता है। खेत रहना, रणभूमि में मारा जाना, जैसे काफी राजा महाराजा मारे गए थे। गंगा लाभ होना, स्वर्ग को प्राप्त होना, तो गंगा लाभ होना ये मतलब समझना कि कुछ बेनिफिट हो गया है, इसका मतलब है कि आप स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तो इसमें इसका मतलब ये है। आप
आप नहीं मतलब कोई और, ऐसे समझिए, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लाख से लीक होना, ये है लाख से लीक होना, ये मैंने करेक्ट करने के लिए लिखा है, लाख से लीक होना मतलब वैभव नष्ट होना, ठीक है। कभी कभी होता है पेपर टफ आया तो लाख से लीक हो गए। हथेली पर सरसों उगाना, शीर्घातिशीर काम कर देना, तो कहा जाता है ना कि भाई मेरे से इतनी जल्दी काम करने को नहीं बोलो, मैंने कोई हथेली पे सरसों नहीं उगा रखी। अशरफी की लूट, कोयले पर मुहर, ये भी अच्छी चीज है, महत्वपूर्ण वस्तुओं को छोड़कर बेकार वस्तुओं की निगरानी करना। अब ये होता है काफी बार एग्जाम में कि आप 30 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के 10 नंबर के क्वेश्चन पे जान लगा देते हो, तो उसमें अशरफी की लूट में अशरफी की लूट लेकिन कोयले पर मुहर हो गई। छचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिलना, काफी बार होता है कि किसी को अच्छी बीवी मिल गई जैसे, तो वैसे छचुंदर के सिर पर चमेली का तेल वो कहा जाता है। बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस, तो ये थोड़ा नया टाइप का था, इसका मतलब झूठा दिखावा करना। कुछ कुछ चीजें तो वहीं पे आपको सोचनी पड़ेंगी जब नए नए मुहावरे और लोकोक्तियां आ रही हैं। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, बेमेल होना, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सोचना होगा इन सब वालों में, क्योंकि ये थोड़े से नए से पूछ लेते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, इसका मतलब है बेमेल होना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, मतलब अपने लोगों में आदर नहीं होता, होता है ना काफी बार कि अपने लोगों का आदर नहीं करते, दूसरों का आदर करते हैं, तो घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। अब देखते हैं अगले साल के, उससे पुराने जो आए थे, आग उगलना, इसका मतलब उल्टा सीधा बकना, उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, फिर है नाक रगड़ना, इसका मतलब है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, हवा लगना, प्रभाव पड़ना, तो आपने सुना ही होगा कि हवा लग जाती है काफी लोगों को। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, सॉरी पॉज हो गया था ये, एक तो करेला दूजे नीम पर चढ़ा, इसका मतलब है एक के साथ दूसरा दोष भी होना। फिर मुंह लगाना, इसका मतलब है शेक करना, जैसा देश वैसा वेश, देश की संस्कृति जैसी होती है वैसे ही वहां के लोग होते हैं, इसका मतलब यही है, देश की संस्कृति के अनुसार वेशभूषा, तो अगर आप जापान जाएंगे तो जापान जैसे हो जाए, तो इसका मतलब है कि जैसा देश वैसा वेश। हजामत बनाना मतलब लूटना, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका मतलब दोनों एक ही है, ठीक है, जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ है, दोनों भाइयों के लिए कभी कभी यूज किया जाता है कि ये तो ये जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ जैसे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, ये पहले भी आ चुका है, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, तो ये रिपीट था। नौ नगद ना तेरा उधार, जो कुछ नगद मिले बहुत अच्छा है, ठीक है, नौ नगद ना तेरा उधार, इसका मतलब है जो कुछ नगद मिले वही बहुत अच्छा है। गंगा गए गंगा देश, जमुना गए जमुना देश, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये सही है, ठीक है, मतलब अवसर वादिता, मतलब अवसर का लाभ लेना, जिसको जैसे लाभ मिले ले लो। अब ये थोड़ा देखते हैं, आंखों का तारा होना, ये तो आपको पता होगा, अत्यंत प्यारा होना। अब है बाल की खाल निकालना, इसका मतलब है बड़ा छानबीन करना, काफी लोग होते हैं ना बाल की खाल उधार देते हैं। आसमान पर दिए जलाना, असंभव कार्य करना, वेद वाक्य मनाना, प्रमाणित बात मानना, फिर है उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका मतलब मन की बात जानना, काफी लोग कहते हैं ना कि मैं तो उड़ती चिड़िया गिन लेता हूँ। आए थे हरी भजन को ओठने लगे कपास, प्रमुख कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। गुरु की जय जान, पानी पीजे छान, मतलब जांच पड़ताल कर कोई काम करना, ये भी बहुत जरूरी है, तो ये ऐसे ही करना चाहिए सबको। गुरु की जय जान, पानी पीजे छान, छप्पर पर फूस नहीं, द्योड़ी पर नाच, दिखावटी थाट बाट पर सार कुछ नहीं, ठीक है, तो मतलब दिखावा करना, असली में कुछ नहीं हो। खोदा पाल निकली चुईया, इसका ये तो आसान है, अधिक परिश्रम के बाद भी साधारण लाभ मिलना। गए थे रोजा छुड़ाने, गले नमाज पढ़ी, सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना, तो गए थे आप सुख को लेने लेकिन पड़ गया दुख पीछे, तो सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना।
उठ जाना, उठ जाने का मतलब है मरना, चले जाना, ठीक है। उठ जाने का मतलब आप कुछ और मत समझना, उठाना रखना मतलब है कोई कसर ना छोड़ना, एक आंख से देखना मतलब सभी को सम्मान भाव से देखना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है संविधान, एक लाठी से सबको हांकना मतलब सम्मान नीति अपनाना। तो देख रहे ना आप इन दोनों में फर्क, एक आंख से देखना मतलब सभी को सम्मान भाव से देखना, ठीक है, एक लाठी को सबको हांकना मतलब समान नीति अपनाना, ठीक है, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट करना, जो हमारा आर्टिकल जैसे 15 है वो करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ है जैसे उसमें। फिर देखते हैं खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना, खरी खरी सुनना, साफ साफ कहना, ठीक है, अपनी करी पर अपनी करनी पार उतरनी, अपने प्रयत्न से ही फल मिलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रयत्न आप बार बार वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, अपनी करनी पार उतरनी हो जाएगी। ये मूंग और मसूर की दाल, तो देखिए तीसरी बार आया ये, तो इतना मतलब ये कॉमन है, औकात से बढ़कर बात करना, फिर तन पर लत्ता पान खाएं अलबत्ता, मतलब झूठी रही सी दिखाना। अब लास्ट देखते हैं जो आज के वीडियो का लास्ट रहेगा, नेकी 9 कोस बड़ी 100 कोस, मतलब है अच्छाई की तुलना में बुराई तेजी से फैलती है, जो बिल्कुल सही बात है, नेकी 9 कोस तो बदी 100 कोस, उससे एक कदम आगे है बुराई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे जो मुहावरे और लोकोक्तियां यूपीपीसीएस में आए थे मेंस में, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई भी और बात है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।